Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here question that is called what here? Unit number 7. What is here? Name called as group 16, 17, 18 element. इसका तो थर्ड लेक्चर है बेटा, स्टार्ट करने वाले हम लोग. जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक देखेंगे यहाँ पे बेटा क्या वाट. द क्वेश्चन इज दैट द एटॉमिक एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाट हियर ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट. सो फर्स्ट वी टेक द वाट एटॉमिक प्रॉपर्टीज. वाट हियर द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. फर्स्ट वी टेक द वाट ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ओके सो डियर स्टूडेंट द ग्रुप 16 एलिमेंट आल्सो कॉल्ड व्हाट हियर द ग्रुप 16 एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीजन फैमिली. व्हाट हियर इसका सिनोनिम क्या है सेकंड ऑक्सीजन फैमिली और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कैल्कोजन. व्हाट हियर इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट हियर बेटा कैल्कोजन. कैल्कोमिस ओर्स जेल्स कॉल्ड फॉर्मिंग मीन्स दिस एलिमेंट प्रोड्यूस द व्हाट हियर द ओर्स. व्हाट इज ओर्स ओर्स इज अ वन टाइप्स ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन अ हायर अमाउंट ऑफ द व्हाट हियर मेटल कॉल्ड एज ओर्स. ठीक है बेटा तो ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट का सेकंड नेम क्या है बेटा ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली और कैल्कोजन फैमिली. व्हाट हियर व्हाट सेकंड नेम व्हाट द कैल्कोजन नेम क्या सेकंड बेटा कैल्कोजन फैमिली. कैल्कोजन मीन्स कैल्को मीन्स व्हाट कैल्को मीन्स ओर्स और जस मीन व्हाट प्रोड्यूसिंग ओर्स प्रोड्यूसिंग. व्हाट है बेटा ओर्स प्रोड्यूसिंग एलिमेंट. ओके व्हाट इज ओर्स द सब्सटेंस विच कंटेन हायर अमाउंट ऑफ मैटर कॉल्ड इज व्हाट हियर ओर्स. द क्वेश्चन इज दैट व्हाट हियर बेटा द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. तो ग्रुप 16 एलिमेंट शो द फोर टाइप्स ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज. वी टेक द वन बाय वन हियर. द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस. एटॉमिक एंड व्हाट हियर द आयोनिक रेडियस और रेडियस इज आल्सो कॉल्ड रेडाई. द रेडियस इज आल्सो कॉल्ड एज रेडाई. ठीक है व्हाट इज एटॉमिक रेडियस डिफिनेशन आपको एलियो ने पढ़ाया था बेटा आपको मैंने. तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड एज व्हाट एटॉमिक रेडियस. क्लियर है बेटा जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एटम है उसका ये न्यूक्लियस है बेटा. तो ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस कहाँ से यहाँ से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस उसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड व्हाट एटॉमिक रेडियस. सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. सो आंसर इज दैट द एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट आर इंक्रीजेस विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर. इफ यू टेक द एलिमेंट इन द ग्रुप 16 व्हाट हियर ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम एंड पोलोनियम इट इज ऑल अ एलिमेंट ग्रुप 16. सो ऑक्सीजन विच ऑर्डर नंबर व्हाट हियर 8 16 व्हाट हियर 16. द नेक्स्ट ईयर व्हाट 16 वी टेक द व्हाट हियर नंबर सेलेनियम 34 52 एंड रिमेनिंग व्हाट वी टेक हियर 84. सो इट इज कॉल्ड व्हाट हियर एटॉमिक नंबर ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. इफ यू टेक द क्वेश्चन हियर इफ द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस सो साइज आल्सो इंक्रीजेस और इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इंक्रीजेस दैट्स बाय द एटॉमिक रेडियस एज वेल एज आयोनिक रेडियस और रेडाई इंक्रीजेस. तो जब बेटे पॉइंट लिखेंगे तो इसमें आप क्या लिखोगे पॉइंट नंबर फर्स्ट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई जो एटॉमिक प्रॉपर्टी के पहले पॉइंट के एटॉमिक रेडाई देखेंगे ग्रुप 16 का देख रहे हैं बेटा हम लोग. तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे आपको पहले द ग्रुप 16 एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम ये आपको सीरीज लिखना है. द एटॉमिक नंबर व्हाट हियर इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर व्हाट हियर इंक्रीजेस सो एटॉमिक व्हाट हियर रेडाई एटॉमिक रेडाई
आल्सो इंक्रीजेस, ये पॉइंट आपको लिखना है। जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीजन से पोलोनियम की, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉम मतलब क्या बढ़ रहा है, साइज ऑफ एटम बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन भी जो डिस्टेंस जो है, ये जो ऑटोमेशन डिस्टेंस जो रहेगा, यानी ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे जो शेल है वन टू शेल जो है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इसमें टू है, इसमें सिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहे हैं शेल भी क्या बढ़ेगा, शेल जब बढ़ेगा डिस्टेंस भी क्या होगा यहाँ का बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस किसकी बात करते हैं, तो शेल नंबर फर्स्ट शेल नंबर सेकंड, डिस्टेंस ज़्यादा किसका रहेगा, शेल नंबर सेकंड का रहेगा, ठीक है। सो इट इंडिकेट दैट इफ द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो व्हाट इंक्रीज देयर द एटॉमिक रेडाई एज वेल एज द आयन रेडाई इंक्रीज, इतना आपको लिखना है इसके अंदर। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, द इन द ग्रुप 16 एलिमेंट द ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम व्हिच ऑफ द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो द एटॉमिक रेडियस और एज वेल एज द व्हाट आयन रेडाई इज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, सो पॉइंट नंबर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट हियर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट हियर, सेकंड नेम क्या बेटा इसका, ये तो हो गया एंथैल्पी, इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट हियर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका सेकंड नेम क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और पोटेंशियल और इसके एंथैल्पी पोटेंशियल दोनों क्या होता है बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी, इट मींस द पोटेंशियल और व्हाट हियर बेटा, दिस टू एटम आर बोथ सेम, पोटेंशियल और एंथैल्पी इज कॉल्ड एनर्जी बेटा, ठीक है। सो व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसके डिफाइन देखिए बेटा लोग, सो इट इज डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, यानी आपको जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में उसको निकालना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसके लिए क्या लगेगी एनर्जी, दिस इज कॉल्ड व्हाट हियर आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल ऑफ द ग्रुप व्हाट 16 एलिमेंट, वो आपको लिखना है इसमें। तो पहले डिफाइन कर लिखेंगे आप, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव और लॉस अ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 एलिमेंट, वो देखेंगे हम लोग एलिमेंट, व्हाट हियर फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम, क्लियर, दिस इंडिकेट व्हाट हियर इफ द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इंक्रीज क्या हो रहा बेटा यहाँ पे, व्हाट हियर 8 16 व्हाट हियर 34 हियर व्हाट 52 हियर व्हाट 84, सो इफ द इफ इसमें क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ अ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, तो इसका रिवर्स लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ क्या आएगा वर्ड डिक्रीजेस, इट इज व्हाट हियर इंक्रीजेस, बस समझ बेटा आपको, इट मींस लेस द एटॉमिक साइज ऑफ अ एलिमेंट और लेस द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट मोर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है बेटा बात समझिए आपको, यानी यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन विच हैव द व्हाट हियर बेटा, ऑक्सीजन विच हैव द लेस एटॉमिक नंबर इट हैव द हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बट पोलोनियम विच हैव द हायर एटॉमिक नंबर बट विच हैव द लेस व्हाट हियर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आपको डिपेंड कर क्या रखना है आपको, कि अगर एटम की साइज छोटी है मतलब एटम का एटॉमिक नंबर कम है तो वो उसकी एंथैल्पी कौन सी एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या लिखना है बट ये सीरीज लिखना है आपको, लिखना है पॉइंट्स में, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट आर डिक्रीजेस फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम बिकॉज इट इंक्रीज द एटॉमिक साइज और नंबर फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, इतने पॉइंट लिखने हैं बेटा, पहले डिफिनेशन इसका बाद में उसका एक्सप्लेनेशन, सो द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट आर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम,
it is reason that the atomic number are increases, so size also increases. The size increases, so what enthalpy, which enthalpy? Ionization enthalpy is decreases. बस समझ आपको, यानी एटम की साइज अगर छोटी है ना तो वो दोनों एटम जो है, एटम में क्या है बेटा, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उसमें अट्रैक्शन होगा तो स्ट्रांगली हेड रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है तो उसको निकालने की नहीं ज़्यादा लगेगी. और अगर एटम की साइज अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में रिफ्लेक्शन होगा, या फिर इसको क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, तो क्या होगा, उससे कहने का मतलब उसमें रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली जो है तो निकल जाएगा, एनर्जी कम लगेगी. तो लेस द एटॉमिक साइज मोर विल बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. मोर द एटॉमिक साइज और नंबर, लेस विल बी द व्हाट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो आपको इसमें लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट भी देखते, पॉइंट नंबर थर्ड हियर. सो पॉइंट नंबर थर्ड भी टेक हियर. पॉइंट नंबर थर्ड, इट इज कॉल्ड एज अ व्हाट. फर्स्ट पॉइंट बी टेक द व्हाट, एटॉमिक रेडियस. सेकंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एंड थर्ड बी टेक द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. व्हाट हियर बेटा, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रो निगेटिविटी किसके, ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. ये पॉइंट भी एटॉमिक मतलब व्हाट ये पॉइंट क्या है, काम में आता है बेटा एटॉमिक प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस. सो इट इज डिफाइन एज द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड इट सेल्फ. यानी कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, इस पर चार्ज निगेटिव आता है या लोन पेयर होती है, तो इलेक्ट्रॉन को तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रो निगेटिविटी ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट. सो इन द ग्रुप 16 एलिमेंट इट कंटेन ऑक्सीजन, व्हाट हियर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम. इफ यू टेक हियर द ऑक्सीजन विच हैव द थ्री लोन पेयर एंड दिस ऑक्सीजन आर एक्ट एज व्हाट, इलेक्ट्रो निगेटिव एटम. बट अनदर एलिमेंट सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, इट डज नॉट शो द व्हाट, इलेक्ट्रो निगेटिव नेचर और शो द लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर एज कंपेयर ऑक्सीजन. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रो निगेटिविटी ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट. सो द इन द ग्रुप 16 एलिमेंट द इलेक्ट्रो निगेटिविटी आर डिक्रीजेस, आर डिक्रीजेस. ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, आर डिक्रीजेस ओके, आर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. व्हाई, बिकॉज इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एटॉमिक साइज. लेस द एटॉमिक साइज एंड इट कंटेन अ लोन पेयर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इट्स अ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. सो इफ द एटॉमिक नंबर मीन्स 8, व्हाट ईयर, 16, 32, देन व्हाट वी टेक द नेक्स्ट ईयर थर्ड, 52 एंड 84. If the atomic number is increases, so what decreases? So it decreases the what? Electronegativity. ठीक है बेटा, इसमें आपको पॉइंट क्या लिखना है, इसमें आपको इसमें पॉइंट ही लिखना है बेटा आपको, कि इन द ग्रुप 16 एलिमेंट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम आर डिक्रीजेस. क्लियर, विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर. विच एटम इज द हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन, बिकॉज इट्स अ लेस एटॉमिक साइज. ये जो पॉइंट है नंबर थर्ड है, नंबर सेकंड वो सेम है बेटा. अगर साइज कम रहेगी एटम की तो उसकी एंथल भी ज़्यादा रहेगी और इलेक्ट्रोनिगेटिव भी ज़्यादा रहेगी. अगर एटम की साइज यानी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिक्रीज होगा यहाँ पे. ठीक है, इसको ही हम लोग अगर फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे क्या लिखी है हम लोग, डिक्रीज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, जैसे पैटर्न में लिखा हमने. ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम इसमें लिखते हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर फोर्थ. ठीक है, लास्ट पॉइंट ऑफ द एटॉमिक रेडियस. सो वी टेक द पॉइंट नंबर फोर्थ हियर. The point number fourth is called as what? Electron gain enthalpy. What here? Electron gain enthalpy. So in this topic, so it how to write the electron gain enthalpy means what? The tendency of an element to gain an electron. Yani the energy which is required to add an electron in the element. देखो दोनों में अलग अलग है. फर्स्ट क्या था यहाँ पे, आयोनाइजेशन, इसकी डिफाइन क्या थी,
द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कॉल्ड एज अ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इसकी डिफाइनेशन क्या है बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एडेड इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम और इन एनी आउटरमोस्ट शेल. इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ऐड करने के लिए एनर्जी, कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट. सो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ अ ग्रुप 16 एलिमेंट आर नेगेटिव बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट इज अ व्हाट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. विच एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फर्स्ट ऑक्सीजन. सो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप, एक ही पॉइंट आपको लिखना है एक लाइन में, बट डिफाइन लिखना है आपको द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एडेड इलेक्ट्रॉन इन एनी एलिमेंट और इन एनी एटम कॉल्ड इज व्हाट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी. सो द इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट आर विच हैव द व्हाट नेगेटिव इन नेचर बिकॉज द फर्स्ट ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनिगेटिव, दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 16 इज इलेक्ट्रोनिगेटिव. इतना लिखना है आपको, ठीक है. तो पॉइंट नंबर कितना है बेटा आपको, ठीक है, इसमें आपको लिखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेनिंग पर क्या इसकी नेगेटिव है. 16 ग्रुप एलिमेंट विच हैव व्हाट नेगेटिव नेगेटिव गेन एंथैल्पी. ठीक है बेटा, तो हमने पॉइंट चार देखा, इसमें याद रखो अच्छे से बेटा. फर्स्ट क्या देखा, एटॉमिक एंड एटॉमिक डेटा देखा पहला पॉइंट. सेकंड व्हाट वी टेक हियर, पॉइंट नंबर सेकंड वी टेक द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, विच एंथैल्पी इज देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. पॉइंट नंबर थ्री इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पॉइंट नंबर फोर, इस तरीके से बेटा एटॉमिक डेटा किसका हुआ 16 का, सेम 17 का रहेगा, सेम 18 का, एलिमेंट चेंज रहेगा यहाँ पे. ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे इसको. इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी ग्रुप 16 की, 17 की और 18 की. ओके, तो पहला पॉइंट क्या देखा, सब एक ही पॉइंट में आपको तीन पॉइंट पढ़ने हैं. सिर्फ यह चेंज क्या करना है आपको, एलिमेंट ग्रुप 16 में एलिमेंट कौन से ऑक्सीजन है, 17 में क्या लेना आपको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेना है. वही पॉइंट क्वेश्चन अगर पूछा आपको राइट डाउन द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, तो भी आपको पॉइंट ही लेना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. एलिमेंट चेंज कर ग्रुप 16 17 पूछा है तो विच चेंज एलिमेंट, हेयर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटाइन, वो एलिमेंट लेना है, बाकी पूरा पैटर्न सेम. ग्रुप 18 के लिए भी यही लेना है, यानी ग्रुप 16, 17 के एलिमेंट के लिए सभी चारों पॉइंट कॉमन आएगी, उसकी थ्री कॉमन आएगी, सी वी चेंज अवार्ड एलिमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रुप 16, 17, 18 तीनों एलिमेंट का क्वेश्चन का आंसर एक ही है बेटा, सिर्फ वी चेंज अवार्ड. ग्रुप 16 में एलिमेंट ऑक्सीजन लेंगे, 17 में फ्लोरीन, 18 में नियॉन और हेलियम. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू सो मच.